हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक थ्रिलर ड्रामा मूवी को जिसका नाम है फ्लावर्स इन द एटिक। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में जो है 6.1 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम कैथरीन नाम की बंदी को देखते हैं। वो हमसे बात कर रही थी। वो कहती है लाइफ में किस टाइम कौन सा टर्न आ जाए इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। पहले तो हमारी लाइफ बहुत ही परफेक्ट थी, लेकिन कुछ टाइम बाद हमारी लाइफ बहुत ही प्रॉब्लम में आ गई। उसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं, कैथरीन के ट्विन ब्रदर और सिस्टर थे और एक बड़ा भाई था जिसका नाम क्रिस्टोफर था। उसकी मदर का नाम कोरीन और फादर का नाम भी क्रिस्टोफर ही था। उसके फादर हमेशा अपने काम के चलते दूर रहते थे। आज बहुत दिनों बाद वो घर पर आए थे, इसलिए सब लोग उन्हें देखकर बहुत एक्साइटेड थे। उसके डैड सबके लिए गिफ्ट लेकर आए थे और मदर के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव नेकलेस लेकर आए थे। इसके बाद वो अपने बच्चों के साथ गार्डन में एंजॉय कर रहे थे। फिर कैथरीन अपने फादर से कहती है, आप इतनी दूर मत जाया करो, क्योंकि वो अपने डैड को बहुत मिस करती है। वो लोग काफ़ी बिजी होते हैं, इसलिए उसकी इन बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। वो और कुछ कह पाती उससे पहले ही उसकी मॉम अच्छे से तैयार होकर बाहर आ जाती है। वो बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि डैड को प्रमोशन मिल गया था। अब वो और भी ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, लेकिन इस बात से कैथरीन को बहुत बुरा लगता है। वो अपसेट होकर अपने रूम में आ जाती है। उसके डैड उसे मनाने के लिए उसके पास आते हैं और उसे भी एक कीमती नेकलेस गिफ्ट करते हैं। उसके डैड उसे कहते हैं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये सब हमारी फैमिली और आने वाले फ्यूचर के लिए है। अगले सीन में हम देखते हैं इनके घर पर बर्थडे पार्टी होती है। उसके डैड काफ़ी लेट हो गए थे। फिर डोर बेल बजती है, लेकिन वो पुलिस वाला था। वो आकर बताता है डैड का एक्सीडेंट हो चुका था और उनकी डेथ हो जाती है। सब लोगों को बहुत शॉक लगता है। कैथरीन के जुड़वा भाई बहन को अपने डैड की बहुत याद आती है। कोरीन भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लग गई थी, उसके पास पैसे भी नहीं थे। कैथरीन फिर उससे कहती है, क्या हम ठीक रह पाएंगे? कोरीन कहती है, मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है, मैं बहुत ब्यूटीफुल थी, इसी वजह से मेरी शादी तुम्हारे डैड के साथ हुई थी। अब वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही है। पैसे ना दे पाने की वजह से कैथरीन का पैरा क्लास भी छूट जाता है। कोरीन फिर बहुत सारे लेटर लिखकर इन्हें पोस्ट कर देती है। कुछ दिनों बाद कोरीन को लेटर का रिप्लाई आता है। फिर वो अपने सारे बच्चों से कहती है, अब हम जाकर अपने पेरेंट्स के यहाँ रहने वाले हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कभी कोरीन के पेरेंट्स के बारे में पता ही नहीं था। कोरीन कहती है, मैंने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर शादी की थी, इसी वजह से वो हम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। अब वो फिर से उनके पास जाकर माफ़ी मांग लेगी। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे क्योंकि उन्हें यहाँ की लाइफ छोड़कर जाना पसंद नहीं था। लेकिन कोरीन प्रॉमिस करती है, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अमीर हैं, यहाँ पर उनकी जो भी चीज़ें थीं इससे ज़्यादा वो उन्हें वहाँ पर ख़रीद कर देगी, और यहाँ वैसे भी ये लोन पे नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से बैंक इनकी सारी चीज़ें ले लेगी। इसके बाद ये कोरीन की सिटी में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें लेने के लिए कोई भी नहीं आया था। काफ़ी दूर चलने के बाद वो कोरीन के घर पर आ जाते हैं। कोरीन की मदर डोर ओपन करती है, उसका नाम ओलिविया होता है। ओलिविया कहती है, देखो बिल्ली अपने साथ क्या लेकर आई है। वो कोरीन से हमेशा बिल्ली कहती थी। बचपन से ओलिविया कोरीन से हेट करती हुई आई है। कोरीन अपने फादर से क्लोज थी। ओलिविया बच्चों को ऊपर का कमरा दे देती है जहाँ पर कोरीन के फादर उन्हें देख ना पाए। बच्चे घर में हैं, ये एक सीक्रेट था। कोरीन अपने फादर को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। अगर फादर ने उसे माफ़ कर दिया इसके बाद वो उन्हें बता सकती थी। कोरीन उन्हें समझाती है, मेरे फादर बहुत ही ओल्ड हैं, उनकी कभी भी डेथ हो सकती है। एक बार उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो हम मिलियनेयर बन जाएंगे, हमें इस तरह से रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोरीन कहती है, मैं दिन भर यहाँ पर नहीं रह सकती। वो थोड़ी देर में उन्हें मिलने के लिए आती रहेगी। अगली सुबह ओलिविया बच्चों के लिए खाना लेकर आती है। वो कहती है, इस खाने को दिन भर तुम्हें खाना है, मैं अब तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊँगी, और इस रूम में थोड़ी सी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ट्विंस को खेलना है तो वहाँ पर एटिक है, वहाँ जाकर वो खेल सकते हैं। और बाथरूम यूज़ करते वक्त लड़का और लड़की एक साथ नहीं जाएंगे। ओलिविया कहती है, अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर को पता चला तुम लोग यहाँ पर रह रहे हो तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। बच्चे फिर ऊपर एटिक देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें ये जगह खेलने के लिए अच्छी नहीं लगती। उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। उसे ज़रा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कैथरीन और क्रिस्टोफर मिलकर उनके लिए झूला बना देते हैं। फिर रात में कोरीन सबसे मिलने के लिए आती है।
फिर बच्चे उससे कहते हैं हमें यहाँ पर नहीं रहना, वो बहुत ही बोर हो रहे थे, उन्हें घर पर जाना है। कोरिन उन्हें समझाती है तुम्हें कैथरीन और क्रिस्टोफर की सारे बातें माननी चाहिए। वो दोनों ट्विंस मानते नहीं और शोर मचाने लगते हैं। ओलिविया जोर से इनको मार देती है। वो कहती है इस घर में इस तरह से चीज़ें नहीं चलेंगी। कोरिन इस पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है तुम इस तरह से मेरे बच्चों को हाथ नहीं लगा सकती वरना मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ओलिविया कहती है तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम कर सकती हो, ये घर मेरा है और मेरा ही राज घर पर चलेगा। फिर उसने कोरिन को अपना शर्ट निकालने के लिए कहा। इतने सालों के बाद कोरिन यहाँ पर वापस आई थी तो इस वजह से ओलिविया ने उसे बहुत मारा था। बच्चे भी इसे देखकर डर जाते हैं। ओलिविया कहती है तुम सारे बच्चे एक डेविल की संतान हो, ये बात बहुत ही अजीब होती है। कैथरीन वंडर करती है आखिर इस बात का क्या मतलब हुआ। कोरिन उसे समझाती है जब मैं छोटी थी तब मेरी मॉम मुझे मारा करती थी, इसी वजह से वो अपने फादर से बहुत क्लोज थी। हमेशा मेरी मॉम मेरे खिलाफ फादर को भड़काती थी। धीरे धीरे मेरे फादर अपने काम में बिजी हो गए थे तो इस वजह से मैं घर में अकेली पड़ गई। तभी मेरे फादर का हाफ ब्रदर हमारे पास रहने के लिए आया क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो गई थी। इसका मतलब था वो कोरिन का अंकल था। वो बहुत ही हैंडसम और काइंड हार्टेड था। कोरिन और उसमें प्यार हो गया। इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। इसी जैसे इनकी फैमिली इन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। फादर ने कोरिन को उनकी विल से निकाल दिया था। ओलिविया ने कोरिन से कहा अगर तुम्हारे बच्चे हुए तो एबनॉर्मल होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं ट्विंस के लिए क्रिस्टोफर कुछ पेंट्स कर रहा था। ओलिविया आकर कैथरीन से पूछती है ऊपर चल क्या रहा है। कैथरीन कहती है क्रिस्टोफर पेंट कर रहा है, वो बहुत ही अच्छा पेंटर है। ओलिविया कहती है क्या उसने कभी तुम्हारी पेंटिंग बनाई है, क्या उसने कभी तुम्हें कपड़े निकालने के लिए कहा है। कैथरीन को ये बात बहुत ही कंफ्यूजिंग लगी। ओलिविया समझ रही थी जैसे कोरिन और उसके अंकल में अफेयर हुआ उसी तरह से कैथरीन और क्रिस्टोफर में भी कोई रिलेशन रहा होगा। ऐसे ही कुछ टाइम बीत गया। कोरिन बच्चों को देखने के लिए आई ही नहीं। फिर एक दिन वो आकर कहती है मुझे पूरा टाइम अपने फादर के साथ ही बिताना पड़ा, वो उनके साथ एक पिकनिक पर गई थी। ये बात कैथरीन को अच्छी नहीं लगती। वो कहती है एक महीना हो गया है तुम हमें देखने के लिए ही नहीं आई, तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने फादर को मनाना चाहिए। हमें भी बाहर जाना है, हम इतने बुरे भी नहीं हैं कि वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रेन को एक्सेप्ट ना करें। इसके बाद कोरिन उन्हें सच बताती है। वो कहती है मेरे फादर ने मुझे माफ़ किया लेकिन एक ही कंडीशन पर, मुझे कोई भी बच्चे ना हो। अब वो उन्हें अपने बच्चों के बारे में नहीं बता सकती, उसके फादर ओल्ड हैं इसलिए उन्हें उनके मरने का इंतजार करना पड़ेगा। कैथरीन बहुत ज़्यादा अपसेट थी लेकिन क्रिस्टोफर उसे समझाता है जल्दी ही ये टाइम भी गुजर जाएगा। फिर उनकी ट्विन सिस्टर उसके पास आती है और कहती है उसका ट्विन ब्रदर उसे मिल नहीं रहा, वो हाइड एंड सीख खेलते हुए एक बॉक्स में बंद हो गया था। वो बॉक्स को जल्दी से जाकर खोलते हैं, वो अनकॉन्शियस हो गया था। कैथरीन उसे हॉट वाटर में बहुत हीट करती है, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आया था। ऐसे ही और टाइम गुजर जाता है और डायरेक्टली क्रिसमस आ चुका था। कैथरीन पॉजिटिवली कहती है हमें ओलिविया के लिए गिफ्ट बनाना चाहिए। ये गिफ्ट बनाने के बाद ओलिविया इसे देख लेती है और उसे ये पसंद नहीं आता और वो उसे फेंक कर चली जाती है। इसके बाद कोरिन इन्हें मिलने के लिए आती है और बहुत सारे गिफ्ट लाती है। वो लोग बाहर की दुनिया बहुत मिस करते थे इसलिए वो उनके लिए एक टीवी भी लेकर आती है। उसने कैथरीन के लिए एक ब्यूटीफुल ड्रेस लेकर आया था। कैथरीन कहती है ये ड्रेस पहनकर हम कहाँ जाएंगे, हम हमेशा ऐसे छुपकर नहीं रह सकते। आज घर में क्रिसमस की पार्टी थी। कैथरीन और क्रिस्टोफर दोनों आने की जिद करते हैं। कोरिन इसके लिए मान जाती है, वो उन्हें पार्टी में लेकर गई लेकिन एक लिक्योर टेबल में उन्हें बंद कर दिया जहाँ से वो सिर्फ पार्टी देख सकते थे। फिर एक बोतल लेने के लिए ओलिविया ऊपर आती है लेकिन वो उसे निकालती नहीं, वो बच्चों को पकड़ ही लेती। फिर पार्टी में हम फर्स्ट टाइम कोरिन के फादर को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थे। कोरिन के फिर से फैमिली में आने से उन्हें बहुत अच्छा लगा था, वो उसे बहुत ही एक्सपेंसिव नेकलेस गिफ्ट करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जब पार्टी के बाद बच्चे यहाँ से जा रहे थे तब कोरिन को एक आदमी के साथ वो देखते हैं। वो उसे कह रहा था हमारी लाइफ स्टार्ट करने के लिए मैं रुक नहीं सकता, वो उसे कहीं दूर लेकर जाना चाहता था। कैथरीन को ये बात अजीब लगी। क्रिस्टोफर कहता है मॉम अब अमीर होने वाली है, उसके पीछे बहुत लोग होंगे।
कैथरीन अपने रूम में चली जाती है, लेकिन क्रिस्टोफर आसपास घूमता रहता है। जब कोरीन को ये बात पता चली तब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। क्रिस्टोफर के आने के बाद वो उसे ज़ोर से थप्पड़ मारती है। इसके बाद वो अगली सुबह उन्हें सॉरी बोलने के लिए आती है। क्रिस्टोफर उसे पूछता है वो आदमी कौन था। कोरीन कहती है वो मेरे फादर का लॉयर है, हमें उसकी ज़रूरत है, अब मैं मेरी मंजिल के बहुत ही करीब हूँ। उसे बहुत बुरा लगा था जो उसने कल ये सब किया। वो कहती है हम इस तरीके से नहीं रह सकते। वो कहती है अगर हमारे पास पैसे नहीं तो क्या हुआ, हम कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे। फिर बच्चे उसे सुनकर कहते हैं कोई बात नहीं, हम यहाँ पर रह सकते हैं, तुम ज़्यादा वरी मत करो। एक्चुअल में कोरीन उन्हें मैनिपुलेट कर रही थी। वो खुद इतनी लालची है तो कभी भी ये सब छोड़कर नहीं जाती। फिर एक दिन ऊपर क्रिस्टोफर लड़कियों की मैगजीन देख रहा था। कैथरीन वहां आकर उससे पूछती है, तब वो उसे छुपा लेता है। इसके बारे में वो कोरीन से पूछती है। कोरीन कहती है अब तुम लोग बड़े हो रहे हो, तुम लोगों में अलग अलग चेंजेस आने वाले हैं। वो कैथरीन के लिए एक ड्रेस लेकर आती है। जब ये ड्रेस कैथरीन पहन रही थी तब क्रिस्टोफर उसे देख लेता है। ये सब बहुत ऑकवर्ड था। तभी ओलिविया वहां पर आ गई। उसे लग रहा था इन दोनों में कुछ चल रहा है। ओलिविया गुस्सा होकर उसे पनिश करना चाहती थी, वो उसके हेयर कट करना चाहती थी, लेकिन क्रिस्टोफर उसे मना करता है। फिर रात में ओलिविया कैथरीन के सर पर कुछ लगा देती है। सुबह होने पर वो इसे निकालने का बहुत ट्राई करते हैं लेकिन वो इसे निकाल नहीं पाते। कैथरीन क्रिस्टोफर से कहती है तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, तुम सिर्फ मुझे देख रहे थे। क्रिस्टोफर कहता है तुम मेरे बहुत पास हो, मैं हमेशा लड़कियों के बारे में सोचता रहता हूँ। उसे लगता है कैथरीन बहुत ही ब्यूटीफुल है लेकिन वो इस तरह से सोचना नहीं चाहता। कैथरीन के हेयर से वो चीज़ निकालने का कोई भी तरीका नहीं था, इसलिए उसने उसके सारे हेयर कट कर दिए। एक दिन जब कैथरीन डांस प्रैक्टिस कर रही थी तब क्रिस्टोफर और वो मस्ती करने लग जाते हैं। ये गलत है ये रियलाइज करते हुए वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आजकल ट्विंस बाहर जाने का नाम भी नहीं लेते। वो उन्हें खिड़की में आकर बाहर आने के लिए कहते हैं लेकिन फिर भी ट्विंस नहीं मानते। एक दो साल हो गए थे और ये लोग यहीं पर रह रहे थे लेकिन कैथरीन और क्रिस्टोफर को भी बाहर जाना था। फिर रात में ये एक रस्सी की मदद से नीचे उतर जाते हैं। ये एक ब्यूटीफुल सी लेक के पास आते हैं। फिर वो वंडर करते हैं क्या कोरीन उनके लिए कुछ भी करेगी। वो उस पर अब ट्रस्ट नहीं करते। फिर एक दिन कोरीन बच्चों से मिलने के लिए आई और वो बच्चों से कहती है मेरी शादी हो गई है। वो हनीमून पर थी इसलिए उन लोगों से मिलने के लिए नहीं आई। क्रिस्टोफर कहता है ऐसा अब नहीं चलेगा, दो साल हो गए हैं, हम यहीं पर बड़े हो रहे हैं, हम इस तरह से अब यहाँ पर नहीं रह सकते। कैथरीन कोरीन से कहती है क्या तुम्हारे हस्बैंड को हमारे बारे में कुछ पता भी है। कोरीन कुछ भी नहीं बोलती और यहाँ से चली जाती। फिर वो ओलिविया के यहाँ तो उनके लिए स्वीट्स भेज देती है। वो स्वीट्स देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। कैथरीन फिर क्रिस्टोफर से कहती है अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमें बाद में कितने भी पैसे मिले लेकिन हम इस तरह से नहीं जी सकते। क्रिस्टोफर कहता है हमें निकलने के लिए थोड़े पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। वो विंडो के पास था इसलिए ओलिविया आकर उस पर बहुत चिल्लाती है जो उसे कभी भी उसके नाम से नहीं बुलाती। क्रिस्टोफर कहता है मेरा नाम क्रिस्टोफर है। इस बात पर ओलिविया और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो उसे कोड़े से बहुत मारती है। कैथरीन क्रिस्टोफर को इस हालत में देखती है, फिर ये दोनों किस कर लेते हैं। अगले दिन ये दोनों बहुत करीब होते हैं और ओलिविया आ जाती है। वो कहती है तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। क्रिस्टोफर रोते हुए ओलिविया के पैर में गिर गया। वो कहता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ओलिविया गॉड पर बहुत बिलीव करती थी। वो कहती है तुम्हें सिर्फ गॉड ही माफ़ कर सकता है। ओलिविया के जाने के बाद कैथरीन बहुत ही कंफ्यूज हो गई। वो क्रिस्टोफर से कहती है तुम ये सब क्या कर रहे थे। क्रिस्टोफर हंसने लग जाता है, उसने ओलिविया की कीज़ की चाबी बनाई थी, वो जब चाहे यहाँ से निकल सकते थे। वो अब हर रोज़ रात में जाकर घर से थोड़े थोड़े पैसे निकालने लगते हैं। ऐसे थोड़े थोड़े पैसे चुराते हुए इन्हें बहुत सारा टाइम लग सकता था लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक रात जब ये अपने रूम से निकले हुए थे तब कोरीन का हस्बैंड ड्रंक होकर सोया हुआ था। कैथरीन उसे देखती है, वो क्यूरियस थी और उसे किस कर लेती है। इसके बाद वो पैसे लेकर रूम में आ गई। बाहर क्रिस्टोफर फैंस को देख रहा था, ये अभी अभी बनाई गई थी और इन पर इलेक्ट्रिक का शॉक भी था। इस इलेक्ट्रिसिटी को बंद करने का स्विच उसने ढूंढ लिया। फिर घर में आकर वो देखता है कोरीन और उसका हस्बैंड बात कर रहे थे। वो कहता है मुझे एक सपना आया जिसमें मुझे तुम जैसी एक छोटी सी लड़की किस कर रही थी। क्रिस्टोफर समझ जाता है ये कैथरीन थी। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर ये दोनों गुस्से में इंटीमेट हो जाते हैं। कैथरीन क्रिस्टोफर से कहती है अगर तुम चाहो तो हम सब ये चीज़ें बंद कर सकते हैं। क्रिस्टोफर कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
फिर एक दिन इनका ट्विन ब्रदर बहुत ही बीमार हो गया। ये बात उन्होंने कोरीन को बताई, लेकिन फिर भी वो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए मना कर रही थी। कैथरीन उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। फिर इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। फिर अगले दिन ओलिविया इनके पास आती है और कहती है, तुम्हारा ट्विन ब्रदर बहुत ही ज़्यादा बीमार था, हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसकी डेथ हो गई। इन सबको ये बहुत ही बुरा लगता है। अब एक पल भी ये लोग यहाँ पर नहीं रह सकते थे। दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं रात में घर में जो भी ज्वेलरी होगी, जितने भी पैसे होंगे, ये सब कुछ लेकर वहाँ से भाग जाएंगे। यहाँ पर चोरी करते हुए मेड की बात वो लोग सुनते हैं। यहाँ के नौकर भी चोरी कर रहे थे। वो कहते हैं, कोरीन के फादर के मर जाने के बाद अब वो धीरे धीरे सारे नौकरों को निकाल रहे हैं। हम खुद का जितना फ़ायदा कर सके हमें ये कर लेना चाहिए। क्रिस्टोफर को शॉक लगता है। एक्चुअल में उसके ग्रैंडफादर की 6 महीने पहले ही डेथ हो चुकी है। कोरीन को अपनी न्यू लाइफ बहुत ही अच्छी लगती थी। उसने अपने हस्बैंड को भी बच्चों के बारे में नहीं बताया था। उसका प्लान था वो बच्चों को हमेशा ऊपर ही रखेगी। क्रिस्टोफर जब ऊपर आता है तब वो देखता है उसकी छोटी सिस्टर की हालत खराब थी। छोटी सिस्टर ने अपना स्वीट्स एक माउस को खिलाया और उसकी डेथ हो गई। इसका मतलब था जो स्वीट्स कोरीन ने उनके पास भेजे थे उसमें कुछ हद तक जहर था। शायद इसी वजह से इनके छोटे ब्रदर की भी बीमार होकर डेथ हो गई। इन सब की आवाज़ सुनकर ओलिविया ऊपर आ गई। वो उन्हें मार रही थी लेकिन क्रिस्टोफर ने उसकी स्टिक ले ली। वो ओलिविया को पकड़ लेता है और सब लोगों को एटिक में जाने के लिए कहता है। उन्हें पता था ओलिविया को एटिक में जाने से डर लगता है। वो भी उसे घसीटते हुए वहीं पर लेकर जाता है। वो डोर बंद कर देता है और ये लोग खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। ओलिविया वहाँ से निकल नहीं पाती और उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई। इन सबको भागता हुआ देख एक सर्वेंट उन्हें देख लेता है। क्रिस्टोफर उसे कहता है, प्लीज़ हमें जाने दो, हम कोरीन के बच्चे हैं। उस सर्वेंट को भी पता चल गया है यहाँ पर आखिर चल क्या रहा था। वो जाकर फैंस की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देता है और ये सब वहाँ से भाग जाते हैं। कैथरीन हमसे कहती है, अब हम उस प्लेस पर कभी नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी मुलाकात फिर से हमारी मॉम के साथ हो सकती है। मुझमें और क्रिस्टोफर के बीच जो कुछ भी है इस वजह से कोरीन को हमेशा शेम में जीना पड़ेगा, यही उसके लिए सजा होगी। क्रिस्टोफर के साथ होना ये कैथरीन के लिए अपनी मॉम से लिया हुआ बदला था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।